नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ रोशन। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो है तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि अंतरिम रूप से तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या को 22,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता देंगे। देखिए, ये केस कई महीनों से चल रहा था कोर्ट में और इस दौरान अब अंतरिम फैसला सुनाया गया। ये अंतरिम जो भत्ता है, गुजारा भत्ता है, ये देना होगा तेज प्रताप को 22,000 रुपये प्रति महीना ऐश्वर्या राय को। इसके साथ ही 2,00,000 रुपए और देंगे तेज प्रताप यादव केस लड़ने के लिए ऐश्वर्या राय को। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से लगातार लालू परिवार में फैमिली ड्रामा चल रहा था। ऐश्वर्या राय ने कई बार लालू परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। अभी हाल ही पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से ऐश्वर्या राय राबड़ी आवास के बाहर बैठी थी, रो रही थी। हमने पूरा अपडेट आपको दिया था जिस दौरान उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी ने उन्हें मारा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। वो कहती हैं कि दहेज तो नहीं दिया गया तुम्हारे घर की तरफ से कम कार तो अपने दामाद को देने के लिए कहो। इन सब मामले को लेकर केस भी दर्ज हो चुका है। घरेलू हिंसा के मामले में केस ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी, पति तेज प्रताप यादव और इसके साथ ही अपनी बड़ी ननद मीसा भारती के खिलाफ दर्ज करवाया है। अब फैमिली कोर्ट ने तलाक प्रकरण मामले में अंतरिम भत्ता, गुजारा भत्ता देने का निर्णय दे दिया है। तेज प्रताप यादव 22,000 रुपए देंगे और लगातार इस तरह की चीज़ें ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की शादी के बाद इस मामले में लगातार आती रही हैं। लगातार ऐश्वर्या राय आरोप भी लगाती रही हैं। इससे पहले भी जब कोर्ट में पेशी हुई थी तो ऐश्वर्या राय ने कहा था कि तेज प्रताप यादव उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, वो कभी कन्हैया बन जाते हैं तो कभी किसी दूसरे रूप में आ जाते हैं और इस वजह से वो उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। आपको बता देते हैं कि फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश जारी कर गुजारा भत्ता के तौर पर 22,000 प्रति माह की राशि ऐश्वर्या राय को देने के लिए कहा है। वहीं 2,00,000 रुपए अलग से भी तेज प्रताप को देना होगा जो ऐश्वर्या राय को केस लड़ने के लिए दिए जाएंगे। पटना में फैमिली कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत तेज प्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22,000 रुपये प्रति महीने देना होगा। इसके अलावा तेज प्रताप को ऐश्वर्या राय को केस लड़ने के खर्च के तौर पर भी 2,00,000 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि शादी के कुछ ही माह के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ रहने से इनकार कर दिया था और तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी। इसके बाद इसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। ये गुजारा भत्ता प्रतिमाह तेज प्रताप अपनी पत्नी ऐश्वर्या को देंगे। बता दें आपको कि बीते दिनों ऐश्वर्या राय ने गंभीर आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बाल से खींच कर उन्हें मारा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मुझे मारा गया है, बालों से खींच कर मारा गया है, मैं इसके खिलाफ ज़रूर जाऊंगी। साथ ही उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स, राबड़ी देवी के आवास पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, उन पर भी आरोप लगाए थे। कहा था कि उन्होंने भी मेरा कोई सम्मान नहीं किया और मुझे घसीटते हुए गेट से बाहर लाकर गेट बंद कर दिया। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने भी ये बात कही थी कि मैं गलत जगह फंस गया, ऐसे संस्कारहीन लोगों के बीच फंस गया हूँ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में, तलाक प्रकरण मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल तेज प्रताप को 22,000 रुपये प्रति महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता देना होगा। आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर दें और हर छोटी बड़ी खबर को पढ़ने के लिए livecity.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।